नमस्कार, मैं पवन शर्मा, मैं इस वक्त मौजूद हूं गोवर्धन के विधानसभा क्षेत्र के गांव बाद में। इस वक्त हमारे साथ कुछ बुजुर्ग और कुछ युवा साथी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। 2022 का चुनाव है और इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हम आए हुए हैं गांव बाद में। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग और कुछ युवा साथी हैं, इनसे बात करते हैं कि 2022 का चुनाव नज़दीक है तो क्या इनकी रणनीति रहेगी, किन मुद्दों को लेकर ये अब की बार वोटिंग करेंगे। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश उपाध्याय। मुकेश जी, अब की बार 2022 का चुनाव नज़दीक है और अब की बार आप सीएम किसको देखना चाहेंगे? सीएम तो योगी बाबा को ही देखना चाहते हैं। योगी बाबा को किन मुद्दों को मद्देनज़र रखते हुए आप वोटिंग करेंगे? वोटिंग राष्ट्र के मुद्दों को, सबसे पहले तो राष्ट्र के मुद्दों को देखते हुए वोटिंग करेंगे और फिर हमारी हिंदूवादी पार्टी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, हमारे लिए बढ़िया काम कर रही है। बाबा सबके लिए, सबका साथ सबका विकास लेके बाबा काम कर रहे हैं और इसी आधार पर हम लोग वोट करेंगे। विपक्ष तो ये कह रहा है कि अखिलेश यादव और जो गठबंधन है वो कह रहा है कि योगी जी को हम उखाड़ फेंकेंगे। अरे ऐसे तो सब कह ही रहे हैं, सब एक दूसरे की तो वो करते ही हैं, लेकिन ये तो समय पर जनता पर जनार्दन है, जनता बताएगी। ये तो जी बाबू जी, आप बताएं अब की बार किसको सीएम के रूप में देखना चाहेंगे? हम योगी ही देखना चाह रहे हैं। अब की बार आशीर्वाद योगी को देंगे, अखिलेश को क्यों नहीं? अखिलेश ना दे रहे, अखिलेश तो कमाल कछु ना। ममता बनर्जी कह रही हैं अब की बार हम यूपी से चुनाव लड़ेंगे और योगी और जो मोदी जी हैं उनको उखाड़ फेंकेंगे। ममता की यहाँ क्या चलेगी यार? कुछ नहीं है ममता, ममता इस प्रांत की है नहीं, कहें तो बंगाल में चल सकती है, यहाँ नहीं चलेगी। क्यों ऐसा क्यों? ये यूपी है, यूपी में क्या कहते हैं, ममता की नहीं चलेगी। अब की बार किसको कैंडिडेट, जो आपकी बार जो मुख्यमंत्री होंगे किसके रूप में आप देखना चाहेंगे, अखिलेश यादव या योगी? योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, योगी के मुकाबले कोई नहीं है। ऐसा क्या कर दिया योगी जी ने जो आप दोबारा सीएम उनको बनाना चाहते हैं? मोदी जी भ्रष्ट नहीं है, ईमानदार आदमी है, इसलिए योगी को ही कहेंगे मुख्यमंत्री बनाएंगे। गरीब जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। जी भैया, आप बताएं, योगी जी कह रहे हैं कि जो हमने, जो अखिलेश यादव का कहना है कि जो योगी जी उद्घाटन कर रहे हैं वो सपा की सरकार में कार्य हुए थे उनका उद्घाटन कर रहे हैं। नहीं, सपा की सरकार में उद्घाटन क्यों करेंगे, वो तो अपनी सरकार में पैसा दे रहे हैं ना, वहां ने तो पैसा दिए ना, तो काम कैसे है जानते पास में। अखिलेश यादव का कहना है जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है वो सपा की सरकार में बना था और योगी सरकार में उसका उद्घाटन हुआ है। नहीं, योगी के उद्घाटन करो तो पैसा खर्च करो ना, वहां ने तो जब ही तो उद्घाटन करो पैसा खर्च हो तो जब करवे में काम। अगर यूपी की गुंडागर्दी की बात करें तो कम हुई है या क्या? गुंडागर्दी तो बहुत कम है गई, खत्म हो गई, बहुत खत्म है गई, ना के बराबर है बिल्कुल। तो आपकी बार फिर सीएम किसके रूप में आप देखना चाहेंगे? सीएम योगी जी आएंगे सीएम, तो और कोई ना है। अखिलेश यादव क्यों नहीं, योगी जी? अखिलेश यादव तो बहस हुई, वो तो बेकार है, तो ना के बराबर है बिल्कुल। तो आपकी बार फिर सीएम किसके रूप में आप देखना चाहेंगे? सीएम योगी जी आएंगे सीएम, तो और कोई ना है। अखिलेश यादव क्यों नहीं, योगी जी? अखिलेश यादव तो बहस हुई, वो तो बेकार है, तो गुंडागिर्दी ज्यादा कर, तो गुंडागिर्दी चल रही है, सब गुंडागिर्दी चलते सब। सोनिया गांधी की जो बेटी है प्रियंका गांधी, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हमारे द्वारा इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी और मोबाइल बांटे जाएंगे। मोबाइल बांटो, स्कूटी बांटो, हवाई जहाज बांटो, जो ना जीत रहे तो गए काम थे। अब तो बीजेपी योगी रहेंगे उत्तर प्रदेश में, योगी और देश में मोदी। तो कुछ युवा भी हमारे साथ, कुछ बुजुर्ग भी यहाँ भी हैं हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं कि जो 2022 का चुनाव है इसको किस तरीके से वो नजरिए से देखते हैं। जी भैया, अब की बार किसकी सरकार? योगी बाबा की सरकार। क्यों, अखिलेश की क्यों नहीं? अखिलेश की सरकार में गुंडागिर्दी, योगी की सरकार में सबका साथ सबका विकास, और जो विकास के मुद्दे हैं जितने वादे किए थे वो सारे मतलब पूरे होते जा रहे हैं, लगभग 90% तो कन्फर्म क्लियर हो ही गए, 10% पर काम चल रहा है। जो विकास के मुद्दे थे, जो गठबंधन है, वो गठबंधन कह रहा है आपकी बार योगी जी को नहीं आने देंगे। गठबंधन वो गठबंधन नहीं है, वो ठगबंधन है, पब्लिक को गुमराह करते हैं, ये वो है कुछ नहीं उनके पास, पहले तो प्रयास करते। तो आपकी बार पर किसके रूप में सीएम देखना चाहिए? योगी बाबा। जी भैया, आप बताएं अब बार जो सीएम होगा वो कौन होगा, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में वोटिंग करेंगे? सब विकास इतना कराया हो कि कोई भी देखो बाद गांव में सब रास्ता एकदम टकाटक, 24 घंटा लाइट आ रही है, बालकन ने रोजगार मिल लो, और का चाहिए जनता, यही सब चाहिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं जो सपा सरकार में कार्य हो उनका फीता काट रहे हैं बाबा। भाई साहब भ्रष्टाचार ही है, इतना भ्रष्टाचार करे हो मैंने अपने समय पे, कोई भी काम ना हो, एक नंबर में काम चल रहा हो तो बदले की आवश्यकता का है।
और प्रियंका गांधी का भी इनको कुछ ना है, कांग्रेस वांग्रेस है तो कोई जान ही ना है, खोई गई खत्म है वो तो। तो अब की बार जो कैंडिडेट आप देखना चाह रहे हैं वो योगी आदित्यनाथ को ही देखना चाह रहे हैं? बिल्कुल जी, अखिलेश यादव को आशीर्वाद नहीं रहे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं जी। भैया आपका योगी, योगी अखिलेश जी को क्यों नहीं? गठबंधन जयंत चौधरी भी संघ में है, राजभर भी संघ में है, ये तो राजनीति है, ये तो राजनीति है, तो अब सारी कोई अपना वो देगा, बस सरकार योगी को होनी चाहिए, सरकार अच्छा काम भी हो रहा है, विकास भी है। ऐसी कौन सी गुठी पिला दी है आपको योगी जी की जो योगी जी नहीं कर रहे? भ्रष्टाचार खत्म है ना, अखिलेश यादव बड़े गुंडा बड़े बड़े माफिया 5 साल में कार्य बड़े बड़े माफिया उनको साले वो सब बंद है, आज गुंडागिरी खत्म हो गई, इतना गुंडागिरी थी आज जो आदमी कहीं भी जा सकता आ सकता है, पहले लूटा पार्टी दुनिया भरी सारी कार्यकाल। विपक्ष जो है योगी जी को गुंडा राज पे घेरने में लगा हुआ है, कह रहा है कि जो गुंडा राज है वो कम नहीं हुआ बढ़ रहा है। भाई विपक्ष तो करेगा, वो तो विपक्ष तो अपनी करेगा, वो कहने वाले ये अच्छा काम तो सभी बाधा डालते हैं, अच्छा काम हो रहा है, सारी चीजें बढ़िया है, तो आगे चल के भी अच्छे काम ही होंगे। तो अब की बार योगी सरकार किसानों के लिए 500 रुपए किन मुद्दों को लेकर जी बताएं? वही ये मोदी और योगी की तो करामत है सबरी, जो हर 4 महीना में 2000 रुपए दे रहे हैं, गरीब किसी हाथ तक किसी मंत्री ने और किसी हाथ को मंत्री किसी दिया कुछ नहीं दिया, और राशन का आगे दो साल 1.5 साल से राशन फ्री दे रहा है, कितना पैसा गवर्नमेंट को कहाँ से आ रहा पैसा इतना, और जे साल एक फैक्ट्री बेच पे खाई गई। ये कह रहे हैं कि किसानों के लिए कुछ नहीं किया है, किसानों के लिए इतना किया है जितना पैसे ले लेंगे नहीं, उन्होंने क्या कर रहे हैं, वो तो सरकार गिराने के चक्कर में रहते हैं, कि सरकार गिरे कैसे, बिजली महंगी कर दी, तेल महंगा कर दिया, सब कुछ महंगा है, फिर भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ कर रहा है योगी। तो अब की बार जो सीएम होंगे वो कौन होंगे? योगी होंगे, योगी बाबा और क्या, योगी मिर्जा जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद, बाबा जिंदाबाद। को मद्देनजर रखते हुए अब की बार आप वोटिंग करेंगे? हम करेंगे योगी जी के लिए। नहीं मुद्दे क्या रहेंगे आपके? मुख से क्या है, जो सबका मुक्ता है सिर्फ हमारा रहेगा। तो आपके भी तो कोई मुद्दे होंगे ना जिनको लेकर आप वोटिंग करने जाएंगे योगी जी को? भाई हमारा विकास कराएंगे, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं, और कुछ ऐसे काम किए हैं आज तक किसी मंत्री ने किया ना प्रधानमंत्री को पैदा ही नहीं हुआ ऐसा, जो योगी जी जब मंत्री बने जो मुख्यमंत्री उन्होंने जितना कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री टप्पल में कितना बड़ा बनना है एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया है, एशिया का सबसे पहला एयरपोर्ट है वो, तो विकास तो हो रहा है ऐसी बात नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ जनता से, जनता हमारे हम ऊपर वाले के शुक्रगुजार होने चाहिए कि हमें योगी बाबा जैसा एक प्रतिनिधि मिला, हमारा नेता मिला, और ये भगवान का अवतार लेके पैदा हुए हैं योगी मोदी, ऐसा नहीं है ये आम आदमी नहीं है, ये तो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं 24 घंटे जनता के लिए कर रहे हैं, उनके पास है क्या? तो अब की बार मिला के ये है कि ये लालच में खड़े रहे, जो सीएम चुनेंगे वो योगी आदित्यनाथ को ही बिल्कुल चुनेंगे, पहले तो उनका नाम भी नहीं था, अब तो उनका नाम क्लियर है, तो अखिलेश यादव को आशीर्वाद नहीं, और मथुरा से अखिलेश यादव को देने वाले देंगे, मथुरा से चुनाव लड़े तो मथुरा से जीतेंगे, मथुरा से चुनाव लड़ाना उन्होंने योगी जी ने तो निश्चित ही जीतेंगे वो मथुरा से, तो अटकल सबसे बड़ी जीत होगी, सबसे बड़ी जीत होगी, तो अटकल तो अभी चल रही नहीं है मथुरा से कहां से लड़ेंगे, बात अभी तो एक बात कही जा रही है भाई चार कहीं से लड़ने वहीं से ना, वो निश्चित जीतेंगे यहां से, विपक्ष पहले बोलता था। तो आपने देखा हमारे साथ कुछ युवा और कुछ बुजुर्ग मौजूद थे, उनका साफ तौर पर कहना था अब की बार योगी सरकार किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे ये उन्होंने अभी नहीं बताया, पर उनका कहना था कि योगी सरकार में जो कार्य हुए हैं वो किसी सरकार में नहीं हो पाए हैं, जो सरकारें थी वो झूठा वादा करती थी, अखिलेश यादव की जो सरकार थी वो गुंडा राज के नाम से जानी जाती थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2022 का चुनाव नज़दीक है, आने वाली सरकार किसकी होगी।